नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं जेड न्यूज इंडिया। और इस वक्त टीवी शो नीमा डेंजू कप्पा की जबरदस्त चर्चा हो रही है। शो की कहानी नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली एक ऐसी लड़की की है जो सिक्किम की गलियों से निकलकर मुंबई पहुंची है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन यहां नॉर्थ ईस्ट की होने के कारण लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं और अलग अलग नामों से बुलाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव हमेशा चर्चा का विषय रहता है। फिलहाल आपको बताते हैं सीरियल के बारे में और देखते हैं कि नीमा डेंजू कप्पा का किस तरह का रोल है। शो में नीमा का लीड किरदार असम की एक्ट्रेस सुरभि दास निभा रही हैं। सुरभि दास ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि असल जिंदगी में उन्हें भी बहुत ही नस्लवाद और भेदभाव झेला है। उन्होंने बताया कि जब वह दिल्ली में थी तब लोगों ने उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाया। उन्होंने भेदभाव को काफी ज्यादा झेला, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। सुरभि दास ने भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ यह बहुत ही आम बात है, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था और तरह तरह के नामों से बुलाया जाता था। उन्होंने कहा कि मैं ये सब खुद सह चुकी हूँ। दिल्ली में लोग मेरी खराब हिंदी का मजाक उड़ाते थे, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि जिन जिन लोगों ने मुझ पर कमेंट किया और मेरी खराब हिंदी का मजाक उड़ाया, असल में उन्होंने ही हिंदी को सुधारने में मेरी मदद की। दोस्त अलग अलग नामों से चिढ़ाते थे। सुरभि ने यह भी कहा कि मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे कई दोस्त थे जो मुझे चिढ़ाते थे। वो सोचते थे कि वो मुझसे प्यार से चिढ़ाते हैं, पर मैंने हमेशा ही इस पर आपत्ति जताई। मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मुझे इस तरह के भेदभाव या जातिवाद वाले नामों से मत बुलाओ। अगर आप लोग ऐसा मजाक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मजाक अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां यानी कि बेटी अगर मेडल जीते तो देश की बेटी और नहीं जीते तो चिंकी। हाल ही में ओलंपिक में जब वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता तो कई लोगों ने बधाइयां देते हुए उन्हें भारत की बेटी तक कहा। इस पर रिएक्ट करते हुए एक्टर मिलिंद सोमन की वाइफ अंकिता कंवर ने कहा था कि आप तभी भारतीय हो सकते हैं अगर आप देश के लिए मेडल जीतते हैं, नहीं तो आपको चिंकी चाइनीज जैसे नामों से बुलाया जाता है। इस बारे में जब सुरभि दास से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंकिता की बात से पूरी तरह सहमत हैं। बता दें कि अंकिता भी नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हैं और उन्होंने भी नस्ली टिप्पणियों और भेदभाव का सामना किया है। सुरभि दास ने यह भी कहा कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोग मेडल जीतते हैं तो लोग भारत की बेटी या भारतीय कहलाते हैं, वरना तो हमें सब चिंकी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के लोग स्पोर्ट्स को लेकर फिल्मों और अन्य क्षेत्रों में पहचान बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उससे जल्द ही लोगों की सोच बदलेगी। सुरभि दास हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और मुंबई आने के सपने देखती थी, और अब उनका यह सपना पूरा हो चुका है और उन्होंने अपना बेस मुंबई शिफ्ट कर लिया। सुरभि दास का सपना था कि वह अब हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करेंगी और हार नहीं मानेगी। तो जैसा कि असम की एक्ट्रेस सुरभि दास इस शो में किरदार निभा रही हैं नीमा डेंजू कप्पा का, और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहां भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के विचार हैं, भेदभाव के भावनाएं हैं, तो ये शो जो है वो किस तरह से लोगों की सोच को बदलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस कहानी के बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, इस शो को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर बड़ी से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और इस तरह की कहानियां जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज SMZ News एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।